हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द चैनल ज्योति आरजे व्लॉग। और आज है राखी स्पेशल ब्लॉग। तो ये है राखी और ये अवनी का राखी है अमृतेश के लिए, मेरे जीतू के लिए और एक आहान के लिए। और ये हमारी राखी की थाली जिसमें है मिठाइयाँ, दिया, अच्छत, चंदन, दही और राखी। और ये अवनी का थाली है और अवनी जा रही है राखी बांधने के लिए। तो मेरे बेटे का आज फर्स्ट राखी है। थोड़ा सा एक्चुअली क्या था, 7 बजे तक का भी मुहूर्त था तो सो के उठाना तो ना चिड़चिड़ कर रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब कोई ओकेजन होता है तो बच्चों का मूड ख़राब हो जाता है। वैसे अच्छे से राखी बंधवा लिया अमृतेश ने और ये देखिए अलग अलग एक्सप्रेशन बना रहा है। ये है अवनी के कज़न ब्रदर और अवनी स्टार्टिंग से इनको राखी बांधती है। ये है मेरी बुआ जी के लड़के चंदन भैया और ये सुबह आए थे राखी बंधवाने के लिए। और अनिमय इन्हीं का बेटा है जिनको अपनी राखी बांध रही थी। स्कूल से क्या क्या खाने में कैसे लगा खाना अनिमय को? अच्छा है, अच्छा है। हाँ कि टेस्टी है, टेस्टी है। माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, वेलकम टू द चैनल ज्योति आरजे व्लॉग। मैं हूँ ज्योति प्रिया और आज है रक्षाबंधन। तो गाइस क्या है ना कि मैं आज थोड़ी सैड हूँ, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा सैड हूँ, फिर भी हंस रही हूँ, मेरा फेस ऐसा है, हंसते रहती हूँ। तो मैं लास्ट में बताऊँगी ब्लॉग के लास्ट में क्यों मैं सैड हूँ। वैसे हम लोग सुबह उठ गए थे और आज जीतू का तबीयत बहुत ख़राब है, मतलब खांसी, सूखा खांसी हो रहा है, सर्दी है, उसका मन ना छिन छिन हो रहा है। और जब तक वो छिन छिन करेगा ना, किन किन छिन छिन जो भी है, रोता है, तो मन नहीं लग रहा किसी काम में। और सुबह उठ के बस फटाफट से हम लोग बस नहा, मेरा फुफेरा भाई आया था, मेरा कज़न ब्रदर आया था, तो उनको राखी बांधी, उसके बाद फिर खाना हुआ, मतलब उनको खिलाने के लिए फिर हमें खाना वगैरह प्रॉपर बनाना पड़ा। इसी बारे क्या जल्दी से सब कुछ हो गया, फटाफट से हो गया, इसलिए मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, बहुत घाई में हुआ। मैं पनीर लबाबदार बनाई, भाभी छोले बनाई, पूरी बनाई, मम्मी सब्जी कट की, इसी में दोनों बच्चे जगे हुए थे क्योंकि अपनी को राखी बांधना था, एक मुहूर्त था ना 7 बजे तक का ही मुहूर्त था राखी बांधने का, इस वजह से। सो गाइज इनसे मिली, ये भाभी के भाई हैं और हम, मैंने और भाभी ने दोनों एक जैसा ही ड्रेस पहना है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज के दिन सिर्फ बहनों का दिन होता है, सिर्फ गिफ्ट्स, पैसे, ये वो, तो यहाँ पे भाभी को गिफ्ट मिल रहा है और इस गिफ्ट में क्या है वो देखते हैं बाद में। बस ये राखी की थाली है और मैं ना सुबह ही भाभी को राखी बांध दी थी बट उसका मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, इतना गाई में सब कुछ हुआ ना, आधा घंटा में राखी बांधो, खाना बनाओ, सब कुछ। तो 7 बजे का मुहूर्त था तो उसके अंदर ही सब कुछ करना था। और यहाँ पर होने जा रही है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। चलो इसमें क्या क्या है दिखा दो, चलो डेयरी मिल्क है। हाँ चलो एक बार दिखाओ। डेयरी मिल्क बादाम वाला। ओ नो, मम्मा को 2 दिन नहाना नहीं पड़ेगा। गाइस देखिए अवनी भी मजाक उड़ा रही है अपनी मम्मा का। परी को पहले से पता था इसमें क्या है, है ना परी? हाँ हाँ, बड़ा अच्छा खुशबू है। ये लवली का है, लोटस। नहीं भाभी को ज्यादा दिक्कत हो रहा है अभी आजकल गाइस, तो भाई तक संदेश पहुँच गया है।
सो गाइज इट्स माई टर्न और आपको कहीं भैया नहीं दिख रहा होगा तो मैं बाद में बताने वाली हूँ ब्लॉग एंड में कि भैया कहाँ हैं। तो अभी मैं लुम्बा राखी पहना रही हूँ भाभी को, ये फ़ोटोशूट के लिए। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में विधिवत जो होता है वो पहना चुकी हूँ, सब कुछ हो गया हमारा सेलिब्रेशन, बट ये अच्छे से ड्रेसअप होने के बाद का मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो फिर फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए थोड़ा तो करना बनता है ना गाइज, तो कहीं पर कहीं भूल चूक हो गई हो प्रोसेस में। हालाँकि पहले हम लोग चंदन लगा ते हैं, उसके बाद मिठाई खिलाते हैं, फिर राखी बांधते हैं, फिर शगुन लेते हैं, शगुन लेना भी तो बनता है ना। तो वो सब कुछ हो चुका है, बट यहाँ पे फ़ोटोशूट के का टाइम पे ना सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो मैं सोची कि राखी लुम्बा राखी पहनाते टाइम का ही फ़ोटो और वीडियो बनवाऊँ, बट वो बात करते करते ना सारे प्रोसेस हुए बट उल्टा उल्टा हो गया। पहले मैंने लुम्बा राखी बांधा, फिर मिठाई खिली और लास्ट में चंदन लगाई। तो गाइज़ माइंड मत कीजिएगा, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए है यहाँ वाला जो वीडियो है। एक्चुअल वाला वो मॉर्निंग में कर चुकी हूँ, जो मैं और भाभी जानते हैं। और यहाँ पे मुझे शगुन मिल रहा है भाभी की तरफ से। देखिए निकला भाई, चुरा के पैसा दिखा रहा हो। कि हर साल हमको राखी भेजेगी भेजेगी ना हर साल। गाइज ये है स्वाति दी की बेटी, मतलब मेरी भाभी की अपनी सिस्टर की बेटी। तो ये भी अमृतेश को राखी बांध रही हैं और अमृतेश का फर्स्ट राखी है, तो मैं इसलिए बोली कि फर्स्ट राखी बंधवा रही हूँ तो जीवन भर राखी बांधना होगा। अब अमृतेश को दो सिस्टर हो गई, एक अवनी और एक परी। तो मेरा बेटा बहुत लकी है गाइज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उसका मतलब एक साल भी अभी नहीं हुआ है, कहने का मतलब है कि वो इस दुनिया में आया है और उसको राखी बांधने को मिल रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती मेरे लिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और एक नहीं दो दो राखी, मतलब उसकी कलाई बढ़ गई थी। तो पहले की जो राखी थी वो नोच नोच के खोल के फेंक रहा था, तो मैं ना उसको रख ली, क्योंकि राखी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो मैं ना सारी राखी जमा करूँगी, जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो सारी राखियाँ उसको दूँ। और दोनों बहनों के लिए मैं गिफ्ट पर पैक करवा के लाई थी, तो बड़ा प्यार से वो रखे हुए था गिफ्ट। और ये देखिए बड़ा प्यार से रखे हुए है, और अब देगा ये दीदी को कितना प्यार से दे रहा है। परी को वही वाला है अपनी, मैं वही लाडू अपनी के तरह उदास भैया भाई ना खोल दू। मेरा गिफ्ट है, मैं खोलूंगी। इसको इतना बड़ा गिफ्ट, मुझे इतना छोटा सा क्लिप बोर्ड है कि नेकलेस चल पैर का ऐसे पैर चिपकी मार दो। ये तो बेइज्जती हो गई। ये देखो मेरा कितना बड़ा गिफ्ट है, तुम्हारा कितना छोटा। और ये है अवनी का गिफ्ट, जिसमें है ये रेड वाला फर वाला हेयर क्लिप, और ये है एंकलेट चांदी का, बड़ा ही क्यूट सा लग रहा है, एक पैर में पहनने के लिए है ये बच्चों के लिए। और ये है आज का खाना गाइस, बना है पनीर लबाबदार, जिसकी कोई रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, बिल्कुल टाइम नहीं था। और ये छोला, फिर खीर और पूरी, और रात को बनेगा पुलाव। गाइस मुझे बुरा क्या लगा है कि
भैया नहीं है यहाँ पे, मतलब राखी पे हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है और बहुत कम चांस भी मिलता है कि मैं यहाँ पे हो पाती हूँ, बट इस बार क्या है ना कि भैया को पटना में कुछ काम आ गया था तो इसलिए वो पटना चला गया, तो राखी के दिन वो यहाँ नहीं था, उसके ऑफिस से रिलेटेड वर्क था। तो पूरे इंटायर डे ये बहुत ख़राब लगा। शाम को वो आया तो बस, मतलब मैंने राखी दे दिया था उसको जाते टाइम ही, और शाम को आया तो बस फॉर्मेलिटी के लिए फ़ोटोशूट हुआ और कुछ नहीं, क्योंकि शाम को तो राखी बांधते नहीं और मुहूर्त भी नहीं था, तो यही था। तो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग इन्जॉय किए होंगे। चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब सारा लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा राखी सेलिब्रेशन। बाय बाय गाइस, टेक केयर।